नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव चौधरी। सिविल पार्सल में सभी को स्वागत है। फ्रेंड, आज आप लोगों के साथ मैं 43 फीट बाई 23 फीट प्लॉट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये जो प्लॉट है ये नॉर्थ फेसिंग है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। इसका फ्रंट आपको मिल जा रहा है, मेन एंट्रेंस यहाँ पे, यहाँ पे आपको गैरेज मिल रहा है। मैं सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जो मेरा वेबसाइट है उसमें इसका PDF सारा डिटेल्स में रहेगा, आप वहाँ पे जाके ये PDF ले सकते हैं। और वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दूँगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग गैरेज प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे एक कार और एक आपको बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं। मैं इसका डायमेंशन आपको बता देता हूँ। गैरेज का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो 9 फीट 6 इंची बाई 11 फीट है। तो यहाँ पे आराम से एक बाइक, छोटा सा स्कूटी पार्क कर सकते हैं और एक फोर व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। हम लोग का जो मेन एंट्रेंस आता है, जो मेन एंट्रेंस, ये आपका ग्राउंड लेवल से 24 इंची और 18 इंची अप रहेगा। ये दो स्टेयर प्रोवाइड किया हूँ, इसको चढ़ के ही आपको इसमें जाना होगा रूम में। ओके, तो देखिए मेन एंट्रेंस जो है यहाँ पे 48 यानी कि 4 फीट का दिया गया है। यहाँ पे जो डोर प्रोवाइड किया गया है, मेन डोर, उसके बाद देख लीजिए हम लोग को मिल जा रहा है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में हम लोग प्रोवाइड किया गया है एक सोफ़ा, एक आपको यहाँ पे मिल रहा है एक कंप्यूटर टेबल, देन यहाँ पे एक TV प्रोवाइड किया गया है। जो ड्राइंग रूम का साइज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ड्राइंग रूम का जो साइज़ होगा वो फ्रेंड्स स्पेशियस होगा, 12 फीट 6 इंचज़ बाई 10 फीट का है। तो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, साइज़ एक्चुअल में है। बहुत इजीली आप काम कर पाएंगे यहाँ पे, 3 सीटर या 2 सीटर आप देख पाएंगे। देन यहाँ पे TV वगैरह भी लगा सकते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, उसके बाद हम लोग ये पोर्शन को कवर करेंगे। ओके, देन यहाँ पर हम लोग को एक लॉबी मिल जाता है। लॉबी का जो साइज़ है वो 6 फीट बाई 10 फीट का है, छोटा सा लॉबी है, कुछ बड़ा साइज़ का नहीं है। ये पूरा पोर्शन मैं अलग किया हूँ। ओके, ये पार्टी रिक्वायरमेंट था तो ये पूरा पोर्शन को मैं अलग कर दिया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट किया। ओके, देन यहाँ पे जो आपका विंडो प्रोवाइड किया गया 48 इंची का विंडो है। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है। कॉमन टॉयलेट में आपको मिल जा रहा है एक आपका ये मिल जा रहा है एक कोमोड, देन यहाँ पे एक शावर मिल जा रहा है, देन एक बेसिन भी मिलेगा। बेसिन आप बाहर भी रख सकते हैं, ये मैं अंदर रखा, ये टॉयलेट के लिए है कॉमन टॉयलेट, इसीलिए बेसिन अंदर रखा। इसका जो साइज़ होगा हम लोगों का फ्रेंड्स, इसका साइज़ है 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंचज़, यानी कि 7 फीट यहाँ से हम लोग को मिलेगा यहाँ तक, एंड 4 फीट 6 इंचज मिलेगा हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे जो मैं बोला हूँ 6 फीट 10 इंची, यहाँ से 6 फीट है हम लोगों का और यहाँ पे हम लोगों का है 10 फीट। ओके फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, हर एक वीडियो में यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये जो डोर प्रोवाइड किया गया है ये 3 फीट का डोर है। यहाँ पे जो डोर प्रोवाइड किया गया ये 2 फीट 6 इंचज का है। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे दोनों ही मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है बहुत स्पेसियस है, मैं साइज़ बोलने से पहले ये दिखा दूँ आपको। यहाँ पे एक बेड प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे एक लैंप टेबल प्रोवाइड किया गया है, देन यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए आपका पूरा सेटअप दिया गया है, देन यहाँ पे एक आपको TV मिल रहा है, TV कैबिनेट भी आप बना सकते हैं, देन आपको स्टेयर सेल भी मिल रहा है। यहाँ पे जो ये मास्टर बेडरूम का साइज़ है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है ये फ्रेंड्स 12 फीट 6 इंचज़ बाई 12 फीट 6 इंचज़, बहुत अच्छा है साइज़, कॉमन साइज़ है, ये बहुत स्पेसियस जगह में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्लॉट में। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है। टॉयलेट का साइज़ जो दिया गया है थोड़ा छोटा टॉयलेट है, क्योंकि अटैच टॉयलेट है, इसीलिए आप यहाँ पे आराम से ये टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये जो टॉयलेट है 6 फीट 6 इंची बाई 4 फीट, आप समझ पा रहे होंगे 6 फीट 6 इंची है ये। ओके फ्रेंड्स, देन 4 फीट है ये 4 फीट है और ये 12 फीट बाई 12 फीट, नॉर्मली आप यहाँ से 12 फीट 6 इंचज़ आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। देन हम लोग अगर देखेंगे 12 फीट 6 इंचज़ यहाँ से यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे और एक बेडरूम मिल रहा है जो कि सेम चीज़ प्रोवाइड किया गया, जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया सेम एज इट इज़ प्रोवाइड किया, आप देख पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
मास्टर बेडरूम का साइज़ है 11 फीट 6 इंची बाई 11 फीट 6 इंची। ये भी इससे सिर्फ एक फीट छोटा है दोनों तरफ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, साइज़ आपको अच्छा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, स्पेसियस है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 11 फीट 6 इंची है और ये भी 11 फीट 6 इंची है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो टॉयलेट प्रोवाइड, ये टॉयलेट भी थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा टॉयलेट नहीं है। आप इसको, ये टोटल को एक टॉयलेट या दो टॉयलेट, ठीक ही है, दो टॉयलेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे आपके हिसाब से। तो बेड, तो फ्रेंड्स हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे जो विंडो प्रोवाइड किया गया है, ये विंडो हम लोग का 5 फीट का विंडो है। देन यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है वेंटिलेटर, जो कि है 2 फीट बाई 1.5 फीट का। देन यहाँ पे भी विंडो 5 फीट का है। ओके फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आप लोगों को जवाब दे दूंगा। देन यहाँ पे हम लोगों को ये लैंडिंग मिल रहा है, लैंडिंग के नीचे हम लोगों को एक स्टोर मिल रहा है हम लोगों को। स्टोर का जो साइज़ है 7 फीट बाई 3 फीट 6 इंची साइज़ है। एक स्टोर आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली 7 फीट बाई 3 फीट 6 इंचीज, यहाँ पे भी जगह मिलेगा, इस पोर्शन में भी जगह मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ से तो आप होंगे, आप होने के बाद देन लैंडिंग, देन यहाँ पे फिर आपको आप होना पड़ेगा इधर। ओके, आप होने के बाद देखिए ये फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे आप, यहाँ से लाइक जाएंगे लैंडिंग, देन यहाँ पे आप होके फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएंगे। ओके, फर्स्ट फ्लोर में आपको कुछ और दिन बताऊंगा। आप लोग को ये पसंद आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि फर्स्ट फ्लोर भी बनाइए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में भी बहुत सारा कुछ काम करने वाला है। तो फर्स्ट फ्लोर में आपको, आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, उससे पहले ग्राउंड फ्लोर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन तो हम लोग को हो गया, देन हम लोग को किचन मिल रहा है। देखिए ये जो यहाँ से जब अप करेंगे तो ये पोर्शन तो ऊपर रहेगा, तो मैं इसके नीचे से आराम से किचन में जा पाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जो किचन प्रोवाइड किया गया है, किचन का जो साइज़ है 9 फीट 6 इंचीज बाई 7 फीट है। तो स्पेसियस साइज़ है, कुछ छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक बर्नर प्रोवाइड किया गया है, एक सिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ये जो आपको जो सेल्फ दिया है, ये सेल्फ को छोटा करके यहाँ पे आप एक रेफ्रिजरेटर आप रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे भी रख सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन ये सेल्फ को आपको छोटा करना पड़ेगा। देन यहाँ से हम लोग एंटर हो जाएंगे वॉश एरिया में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वॉश एरिया छोटा सा हम लोग प्रोवाइड किए हैं, जो कि है 9 फीट 6 इंची बाई 3 फीट 6 इंची का। ओके फ्रेंड्स, वॉश एरिया यहाँ पे क्या क्या हम लोग वॉश कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, टैप मिलेगा, देन वॉशिंग मशीन मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पे आप धोने वगैरह कर सकते हैं, धो सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए वॉश एरिया प्रोवाइड किया गया है। ये जो किचन का जो साइज़ आपको मैं बता रहा हूँ 9 फीट 6 इंची ऐसा है इस साइड से इस इधर। ओके, देन यहाँ पे आपको मिल रहा है 7 फीट। ओके, 7 फीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ समझ आ गया होगा। ये जो डोर प्रोवाइड किया गया है, ये 3 फीट का डोर है, और यहाँ पे जो डोर प्रोवाइड किया गया है, ये 2 फीट 6 इंची का डोर है। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे विंडो जो प्रोवाइड किया गया, ये 4 फीट का विंडो है, यहाँ पे भी 4 फीट का विंडो है। अगर आप स्टोर के वहाँ पे विंडो दे सकते हैं, छोटा सा एक वेंटिलेशन के लिए स्टोर विंडो दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देखिए हम लोग वास्तु के अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देते हैं। ये जो गैरेज प्रोवाइड किया गया है, नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड किया गया है। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पूजा रूम रखते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर में हम सोचे हैं पूजा रूम रखेंगे। देन यहाँ पे हम लोगों का ड्राइंग रूम सेंटर में रखे हैं। देन टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में प्रोवाइड किया गया है, ये वेस्ट में एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है, वेस्ट साउथ में 2 टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है, साउथ साइड में हम लोग को मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया गया है, एंड साउथ में हम लोग को ये स्टेयर भी प्रोवाइड किया है। देन साउथ ईस्ट में किचन प्रोवाइड किया, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत सही जगह है। ओके, आप अगर एक सिविल इंजीनियर है, आप ज़रूर ये जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर ये प्लॉट आप बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आप लोग मेरे फैमिली में जुड़ सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाइए, वहाँ पे हर एक पेज में आप जा सकते हैं, वहाँ पे सारा कुछ मैं डेली अपडेट आप लोगों को देता हूँ।
तो ये कैसा लगा आप मुझे बताइए, और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, और ये जो है सिविल पाठशाला इसको लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।